magic of Shan saab yahan pe. I was about to ask you ki how was it working with this young music composer, lekin sir aapse young to industry mein koi hoga hi nahi, matlab Shan saab aapse young sir matlab energetic koi ho hi nahi sakta. How was it working with Amal anyway? नहीं नहीं एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि टुडे ऑफ कोर्स अमाल इज यू नो कैप्चर्ड द होल वर्ल्ड विद दिस म्यूजिक, लेकिन मैंने अमाल का सबसे पहला गाना गाया था मैनी 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 ईयर्स अगो, पता नहीं गानों का क्या हुआ लेकिन डब्बू जी ने मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहा है और हम लोग स्टूडियो में दो गाने साथ हम लोग डब किए, बहुत प्यारे गाने थे. 18 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही केम एंड सांग फॉर मी व्हेन नो वन इवन न्यू अबाउट माय म्यूजिक एंड आई एम थैंकफुल. नॉट एट ऑल, लेकिन बहुत उस गाने से पता चल गया था कि Yeah, this man is going to go a long way, and of course he took his time, but jab unka waqt aaya to sabko piche chhod gaya, and great legacy, great music in his genes, and of course he's taken it forward. And Amal, itne saal baad jo ye pehla gana hum log saath mein kiye, thanks to Bhushan ji, who's worked so hard. It's Bhushan ji's brainchild completely. You know, I'd like to say ki I'm doing good music because of the guidance and the support of Bhushan ji. Wow. So I would like to give it to him and the lovely writing that Virag sir always gives to my music. Bhushan sir, legacy ki baat hai, usko leke aage chal rahe hain aap T series ki, aur hit pe hit, hit pe hit, matlab you're just killing it every day with every song sir, kya hai? Ab planning kya hai matlab? Planning nahi, ab ye baat, ye question ka jawab main har hafte de raha hu actually. Just killed it one more time. Again wapis bol deta hu, kuch press us din thi, kuch aaj hai. सी एक एज आई टू सेड लास्ट टाइम ऑल्सो कि हमें एक म्यूज़िक को इट्स ये प्रूव करना है कि इट इज़ नॉट कि सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक चलता है, इट्स अ नॉन फिल्म थिंग विच वॉज वेरी बिग इन 90s. बहुत न्यू कमर्स को चांस मिलता था उस प्लेटफॉर्म पे. सो हमारी और हमारी कंपनी की और टीम की यही एक कोशिश है कि हम उस टाइप का प्लेटफॉर्म वापस लेके आ सकें, और जिसको हम काफ़ी हद तक अब लग रहा है कि जिस तरीके से सक्सेस मिल रहे हैं, नॉन फिल्म सॉन्ग्स आर वर्किंग एज गुड एज बॉलीवुड सॉन्ग्स. जो लास्ट वीक हमने एक गाना लॉन्च किया था राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ, इट हैज़ डन फिनोमिनल, इट हैज़ डन 3 मिलियन हिट्स इन जस्ट 4 डेज, विच इज़ वेरी गुड. एंड अभी वाइल वॉचिंग द सॉन्ग आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द जो व्यूज़ आ रहे थे और जो कमेंट्स आ रहे थे, इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कमेंट्स ऑन द सॉन्ग. अगेन we have done it, it's just 2% dislikes, which is very good. so this is it actually. We ek cheez ko aage badhana aur jis platform pe newcomers ko bhi chance mil sake, like Amal also for me was a newcomer 1.5 years back. Abhi thoda bada ho gaya lekin still it's good. And Shan, of course, he's a great singer, I know him from long time. And today is very bahut, but you're looking very happy today, so I'm very, so all the best to all means. And Virag has written beautiful lyrics, and I don't want to forget Alia, she has done a fabulous job means. Inhone mujhe nahi phone kiya, maine inke husband ne mujhe phone kiya, who has done a video for me with Imran Hashmi, ke aapko video kaisa laga aapne bataya nahi, pura din nikal gaya. So I told him ke आपकी वाइफ ने आपसे बेटर वीडियो बना दी, तो अभी सो वी हैव टू डू समथिंग एल्स. दोबारा ये सवाल तो नहीं पूछने वाले सर वो आपसे. अमाल, दिस वंस फॉर यू. मैं रहूं या ना रहूं उसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ. 52 मिलियन हिट्स, इसका क्या टारगेट रहने वाला है? अभी ऐसे कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, बट सी एनीथिंग दैट वी वर्क ऑन, मी विराग सर एंड भूषण जी, इट्स ओनली आउट ऑफ प्योर ऑनेस्टी. एंड हम लोग ऐसे व्यूज के बारे में नहीं सोचते. वो अगर गाना अच्छा हो, लिरिक्स अच्छा, एंड वी हैव अ ग्रेट वीडियो, दे हैव एक्टेड सो वेल, वी सांग सो वेल, सो आई थिंक इट्स अ ग्रुप एफर्ट, एंड वंस दैट इज देयर एंड इट्स एन ऑनेस्ट थिंग, आई थिंक वीडियो विल गेट अ लॉट ऑफ व्यूज. अभी अभी से होने लग गया, आई एम श्योर इसके साथ भी होने वाला है. ब्रेक द इंटरनेट, रूल द इंटरनेट. मेरा ट्विटर ऑलरेडी थोड़ा पागल हो रहा है ऑलरेडी, सो आई एम होपिंग इट विल किल इट. जरूर से होगा. कुछ ट्रेंडिंग वेंडिंग कुछ टू पे आ गए हैं सर ऑलरेडी, गाना अब तक लॉन्च नहीं हुआ. क्या बात है, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होगा. आलिया, आपसे पूछना चाहूंगा, चीटिंग क्यों की लास्ट में? स्टोरी भी आप ही की है, बहुत नाइंसाफी थी, देखिए कितने दिल तोड़ दिया आपने. व्हाट इज दिस? आई ऑलवेज ग्रू अप नोइंग रीडिंग लॉट ऑफ हैप्पी लव स्टोरीज वेयर यू ऑलवेज नो दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर बेस्ट. So this is my answer, that not everything that happens in life is always for best. So you must always move on. I mean,
That's where it came right. Talking about this fresh jodi, Tapsee and Tapsee, aap si koi nahi hai, wo to matlab kya hi sakte hain. And Saqib, abhi abhi aaya hai ekdam. Fresh, aap si koi nahi hai. Sarcastic comment tha kya? Acha theek hai, dekh lenge, wo to koi nahi. Saqib. She is 90% of the time sarcastic only, so you never know. सुन लो आप लोग खुद ही यू नो यार सब शॉट ऑफ वीडियो टुगेदर यार मतलब ऐसी केमिस्ट्री है हमारी मतलब हमने इतने प्यार से शिद्दत से ये वीडियो बनाया है हमारे डायरेक्टर से पूछिए कितने अच्छे एक्टर्स मिले इन्हें दो कहां कहां हमने कहां कहां शूट नहीं किया है गाना बताइए आप हमारे बारे में कुछ नहीं कहना चाहती है तारीफ तारीफ इस फ्रेश जोड़ी की प्लीज हो जाए नहीं अगर कोई करना भी नहीं चाहता मैं करवा लेता हूँ मैं हूँ ऐसा No, honestly, the story demanded young couple right. who could justify an age group of, say, 18, 19-year-old childhood lovers up to, say, 23, 24. And, of course, they were the correct phase, the correct actors for me. However, you know, my limitation is only up to deciding the correct actors and phase. The final magic that is there on screen is always the chemistry that two actors create. Right. And not forgetting Zarina ji, it's just that moment yeah. and it touches you there. Right. Zarina ji, aap se baat karunga. Wo grace, tab se leke ab tak kaise, matlab, aag lagai hai screen pe, matlab, main bolun. Bahut bahut shukriya, lekin mujhe khud pata nahi, sab log yehi kehte hain ki aap aage kyun nahi badh rahi hain. Maine kaha pata nahi. अब ऐसा सितारों तक पहुंच के और कोई कितना आगे बढ़ेगा मैम एज के हिसाब से अच्छा ये तो मैंने कहा ऐसे कमाल कर गए आप इसमें कैसे कोई कुछ कह सकता है तापसी मुझे बोले लास्ट में कहा नहीं आपने डायरेक्टर को उन्होंने स्टोरी भी की है कि भाई ये मेरे को क्यों मार रहे हो व्हाट इज दिस नॉट डन ना इंसाफी like just peeping from the balcony and we kept saying please hurt jaiye please hurt jaiye and that shot happens and one truck comes and of course Tapsee was removed and the dummy was there and one old lady she froze she was like are ladki ko maar diya ladki ko maar diya ladki maar di khush ho rahe ho aap chahe kri ho yahan aunty ko itna tension de diya aapne साकिब आप बोलो आपने कहा मेरी हीरोइन को यार अभी मिलने तो दो मतलब इतने दिनों बाद आया हूं लौट नहीं मैंने तो कहा था कि कोई ना कोई तो मरना चाहिए मेरा ये पॉइंट था कि जब मेरा एंड दिस इज माय बिलीफ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट अग्री विद मी ऑन दिस बट आई फील देयर इज एक ट्रेजेडी में भी एक ट्रेजिक एंडिंग में भी एक अलग मजा है एक हार्ट ब्रेक का भी अलग मजा है एंड बिकॉज इट्स अ विजुअल मीडियम इट्स अ म्यूजिक वीडियो वी कुड शो दैट साइड वी हैव ऑलवेज सीन हैप्पी लव स्टोरीज एंड ये थोड़ी एक हमने ट्रेजिक एंडिंग इसको दे दी And Alia was very clear ki haan nahi nahi maregi ladki maregi nahi to marna to padega ye to mere ko shuru se marna to padega but ab main tujhe kabhi cycle chalane nahi dunga theek hai tu chalai aur piche baithti hu अलग ही कहानी हो रही है यहाँ पे वन लास्ट थिंग विराग साहब आपसे जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे यू वर्क्ड विद हमाल जैसे उन्होंने कहा बहुत लंबी कोलैबोरेशन रही है सो हाउ वाज इट वर्किंग ऑन दिस सॉन्ग वेरी नाइस ऑल दीस सॉन्ग्स दैट हमाल एंड आई क्रिएट इज राइट नेक्स्ट टू भूषण जी'स रूम सो देयर इज नो रूम फॉर यू नो बीइंग बिलो पावर बिलो स्टैंडर्ड बिकॉज एक खान उनका उस रूम में ही रहता है सो अभी IAS बनना आसान है इलेक्शन जीतना आसान है भूषण जी से गाना पास कराना बहुत मुश्किल है सो पूरी जान लड़ा देते हैं भाई दिस इज ट्रू हाँ ये होता है हर बार एक बेंच मार्क सेट होता था विद विराग सर की बोल दो ना जरा हुआ फिर मैं रहू है ना हाउ डू यू गेट बेटर क्योंकि भूषण जी समवन मैं उनको रात को फोन करके भी इफ आई सिंग द ट्यून ना ही कैन टेल मी देन कि यू नो वेरी फ्यू पीपल कैन प्रेडिक्ट कि ये गाना इस साल रिलीज होना चाहिए नेक्स्ट ईयर ही कैन इवन डू दैट सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी ही कैन से नो दिस इज टू न्यू फॉर दिस ईयर लेट्स डू दिस ऑन अ लेटर डेट सो हिज ओपिनियन इज द लास्ट ओपिनियन अ ट्रू ट्रेंड सेटर ओवर हियर अमाल यू सिंस यू आस्क्ड अबाउट अमाल अमाल इज वन ऑनेस्ट गाय यार ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज टू द ऑन द वर्क दैट ही इज डूइंग सो देयर इज एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज फॉर व्हाटएवर वी डू सो ठीक ही ठाक हो जाता है ठीक ठाक नहीं सर बहुत कमाल का हुआ है और फिलहाल आई नो आप लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे अपने काम पे तो आप लोगों के सवालों को और चलते हैं ओवर टू यू पीपल भूषण सर जी दिस इज आशी फ्रॉम म्यूजिक इंडिया टीम सवाल ये है सर कि वीडियो के लास्ट में जो इमोशनली कनेक्ट किया जाता है वो किसका इनपुट होता है किधर है सर सर सॉरी ऑन योर राइट या अगेन योर क्वेश्चन प्लीज सर वीडियो के लास्ट में जो इमोशनली कनेक्ट किया जाता है वो किसका इनपुट होता है
नहीं नहीं हर वीडियो में कौन फैक्ट दैट डायरेक्टर डिसाइड्स एक्चुअली हम जब गाना डायरेक्टर को देते हैं तो देन ही डिसाइड्स द कॉन्सेप्ट एंड देन वी अप्रूव इट कि ये कॉन्सेप्ट हमें और ऑब्वियसली एक कोई भी रोमांटिक उसमें एक ट्रैजिक लव स्टोरी का प्रथा चलती आ रही है हर फिल्म में हर रोमांटिक फिल्म में भी इमोशनल एंडिंग होने की ज़रूरी होती है तो सिमिलरली आई थिंक इसमें हमने उसी हिसाब से रखा है ये भी ट्रैजिक एंड आपने दिया अपने सवाल का इट गोज वाइस वर्सा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम स्टोरी के हिसाब से करें या यू नो फ्रीडम एक है कि सिंगल्स में कभी कभी हम पहले गाना बनाएं और उसके हिसाब से एक स्टोरी बनी जाए एंड समटाइम्स होता है दैट वी सिट टुगेदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट एंड उसके हिसाब से भी लिरिक्स हो सो कहीं ना कहीं वी बैलेंस आउट बट सिंगल्स फिल्म्स के जैसे नहीं होते ऐसा चांस मिलता है वे यू कैन मेक अ सिंपल नाइस सॉन्ग एंड अ स्टोरी कैन बी वीव्ड अराउंड इट सो आई थिंक दैट्स अ बेटर थिंग फॉर अ म्यूजिशियन एंड अ राइटर विराग आपसे भी जानना चाहेंगे कि अभी बोल दो ना जरा जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो काफ़ी सरल लिरिक्स आपने दी हैं अल्फाज दिए हैं तो क्या आपने नब्ज पकड़ ली है कि आज का युवा या नहीं नहीं नब्ज तो भूषण जी ने पकड़ी हुई है वाई बिकॉज ही इज एब्सोल्युटली क्लियर इन टेलिंग अस कि देखो सिंपल लिखो द वर्ड शुड बी वेरी सिंपल द मेलोडी शुड बी वेरी सिंपल बट द थॉट नीड्स टू बी बिगर इफ यू विल जस्ट रिवाइंड योर सेल्फ कपल ऑफ डेकेड्स बैक देयर वाज अ गाय कॉल्ड आनंद बख्शी सो ही यूज टू राइट वेरी सिंपल लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए लिखते थे तो उसी तरीके से भूषण जी कहते हैं कि द टारगेट इज नॉट एनीबडी एल्स बट द टारगेट इज कि जो वो लास्ट कॉमन मैन स्टैंडिंग ओवर देयर है इट शुड बी अंडरस्टूड बाय हिम थॉट के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना विच इज वाई ऑल द सॉन्ग्स दैट अमाल एंड आई हैव डन विद भूषण जी हैव अ वेरी यूनिक थॉट फ्लो इन इट एंड द वर्ड्स आर सिंपल तब जाके गाने लोगों को पसंद आते हैं एंड वी बीन वेरी लकी विद द सिंगल्स इज वी ऑलवेज गॉट सम ग्रेट वीडियोज सो थैंक यू टू आलिया एंड फैमिली And your husband, Mr., for both the lovely videos. Thank you so much. I'm family. Tapsi here, Ashi from Music India. आपने अपडेट किया कि ऑलमोस्ट एक साल बाद आप वापस बिग स्क्रीन पे आ रही हो तो एक साल कहाँ वैसे तो भूषण जी आपने मुझे एक साल बाद म्यूजिक वीडियो क्यों दिया I mean, because बेबी इनकी थी लास्ट जो ईयर आई थी फिर आपने एक साल का वेट क्यों किया इनको मैं टाइट स्पॉट में डालना चाहती हूँ इस टाइम पे बताइए आप फिल्में कर रहे थे ना दूसरी बिजी थे ओह वेरी स्मार्ट नहीं नहीं मैं कर रही थी फिल्में जो अब इस फेस्टिव सीजन आप काफ़ी कुछ देखेंगे अभी तो ये स्टार्ट हुआ है दिस इज जस्ट अ ट्रेलर फॉर मी फॉर दिस ईयर देयर गोइंग टू बी पिंक देयर गोइंग टू बी तड़का कमिंग अप एंड देयर आर कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप सो आई हैव बीन शूटिंग नॉन स्टॉप जस्ट दैट रिलीज थोड़ा डिले हो गया सो अब देख लोगे मुझे मतलब अब ओवरडोज ना हो जाए बस आई एम लिटिल स्केयर्ड भूषण जी जी हमने आपके फादर को भी काफ़ी उनके इंटरव्यूज किए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आपको इस तरह से देखते हैं टी सीरीज की जहाँ तक बात है तो जो ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं उनको सबसे अच्छी तरह से पोर्ट्रे अगर आज तक किसी एक कंपनी ने की है तो वो आपकी कंपनी है तो जी इसके पीछे इन सब ने बताया कि आप भी काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन आप इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपकी टीम या फिर आपका प्रमोशन या फिर टी सीरीज का नाम या फिर आपकी पर्सनल मेहनत सी ऑलवेज इट्स अ टीम एफर्ट जिसमें पूरी कंपनी में जो मेरे लोग हैं जो सब हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं अजय कपूर हैं विनोद हैं और प्लस जो म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज करते हैं लिरिक राइटर लिखते हैं सारी टीम वर्क होता है मैं कभी भी ये क्रेडिट अपने पास नहीं लेता हूँ यस मेरा एक ओपिनियन मैटर करता है एंड सो पूरी टीम का ओपिनियन मैटर करता है और उसी ओपिनियन के हिसाब से हम आगे बढ़ के गाना बनाते हैं जब मेरा कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट जब ये गाना बनाते हैं और मैं इनको बोलता हूँ यार कि आपने मुझे सुनाया सेंड इट टू माय टीम आल्सो ताकि उनका भी व्यू पॉइंट इसके ऊपर आए एंड देन वी विल गो अहेड विद द सॉन्ग अमाल आपसे एक सवाल है आपने अपनी पहली फिल्म में काफ़ी कमाल किया और आपको कौन सी लगती है मेरी पहली फिल्म कौन सी फिल्म थी हीरो नहीं तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि मैंने पहली फिल्म में बिल्कुल कमाल नहीं किया था बहुत बुरा काम किया था मेरी पहली फिल्म जय हो थी मेरी पहली
करेक्ट फिल्म आपकी रॉय थी, हाँ, जिसमें आपने सूरज डुबा दिया। मुझे पहली फिल्म सलमान सर ने दी थी जय हो में, उस टाइम में मुझे म्यूजिक के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था कि व्हाट वर्क्स, तो मैंने जो दिल में आया किया था। आई थिंक रॉय से मेरी शुरुआत थी, जो सूरज डूबा एक सॉन्ग है। हीरो मेरी पहली फिल्म नहीं है। लेकिन हीरो में आपने सूरज के साथ किया है और उसके बाद जरीना जी के साथ अभी ये कर रहे हैं, और इतनी कम उम्र में और इतनी कम वक्त में आप जिस मुकाम में पहुंचे हैं, उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे, अपने फादर को? आई थिंक दोनों, मैं और अरमान, हम दोनों ने वी स्टार्टेड वेरी अर्ली, 14 की एज से मैं काफ़ी म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट कर रहा हूँ, प्रीतम सर, सलीम सुलेमान, संदीप चौटा, तो इन सब के साथ मैंने काफ़ी सीखा है एंड इट हैज़ हेल्प मी कम वेर आई एम। एंड आई वुड गिव क्रेडिट टू सलमान सर फॉर गिविंग मी माई फर्स्ट फिल्म, एंड भूषण जी टू यू नो टेक माई करियर फॉरवर्ड। टी सीरीज की वजह से मेरा म्यूजिक यहाँ तक पहुँचा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट, सो इट्स लाइक फैमिली। हाय जरीना जी, आपके लेफ्ट में लॉन्च था जब GFBF का भी लॉन्च था, उनका भी सिंगल था, सूरज थे उसमें, सूरज ने कुछ कहा जब आप इस सिंगल का हिस्सा बनी या आपकी कोई बात हुई? नहीं, जब मुझे कांटेक्ट किया गया था, ये बहुत इमोशनल है, बहुत छोटा सा है लेकिन इमोशनल है, तो ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैंने इमीडिएटली हाँ कहा। जब करने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने जो कुछ भी किया है, मेरा जो भी एक्सप्रेशन है, आलिया ने जैसे बताया मैंने वैसे किया। और इसके बारे में सूरज को बाद में पता चला कि मैंने शूट करने के बाद मैंने बताया, ओह ही वाज वेरी हैप्पी, ओह वेरी गुड मॉम ही सेड। और आपने उनका GFBF देखा था, वो आपको कैसा लगा? मैंने एक बार नहीं, पता नहीं कितने बार देखा है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हेलो भूषण जी, जी यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि यू आर वेरी सिलेक्टिव अबाउट सॉन्ग्स एंड व्हिचएवर सॉन्ग्स यू गिव इज ऑलमोस्ट हिट, वो आप सॉन्ग में क्या देख पसंद करते हो, क्या उसमें होना चाहिए जो यू थिंक दैट इट्स अ हिट? आप हमाल, आप बताओ, आपसे लेता हूँ गाने तो आप क्या मांगता हूँ आपसे? जो जब व्हेन आई प्रेजेंट अ सॉन्ग टू सर, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो देखते हैं कि मेलोडी सिंपल हो और लिरिक्स एक बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कही जाए, तो ये दो फैक्टर्स भूषण जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। And for him, no film or no product is small or big. Even in his small budget films or his big budget films, his songs are, you know, main ya koi bhi aur music director, I think he gets the best out of all the composers. Aap dekhoge ki wohi composers jab work with him and they work outside, there is a difference because the person selecting the music knows what he wants. I think Bhushan ji ko pata hai what he wants. I think that's the thing. Aap kitne songs unko pesh karte hai, usme kitne select hote hai? मैं जब भी कुछ सोचता हूँ पहले उनको ही फ़ोन करके सुनाता हूँ, तो मैं ऐसे कभी उस पर नहीं रहता कि मैंने अगर 15 गाने सुनाए तो ही शुड टेक ऑल, ही सिलेक्ट्स द बेस्ट 2-3 एंड वट एवर ही सिलेक्ट्स इज ऑलवेज रिलीज्ड एंड इट बिकम्स रियली बिग। और सर, आप ऑलवेज यू बीन सपोर्टिंग न्यू कमर्स, जी, तो उसका वॉट लाइक वॉट इज लाइक वॉट यू वॉन्ट टू डू दैट? मेरे फादर के टाइम से वी हैव बीन प्रमोटिंग न्यू कमर्स, पापा काफ़ी लोगों को पापा ने लॉन्च किया था, विजय सोनू निगम है, काफ़ी लोग हैं जिनके साथ उन्होंने उनको लॉन्च करते थे, तो वही चीज़ को हम एक आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अमाल के साथ अरमान को भी वी हैव पुश्ड अ लॉट एंड ही इज़ वर्किंग विद अस एज अ सिंगर, एंड प्लस ऑल द सिंगर्स हु वर वेरी गुड एंड हु आर नॉट doing so many songs now, we want to cater to all those singers which are very talented and all, but kahin kho gaye hain aur nahi utna singing kar rahe, so that thing also we are taking it forward. Bhushan ji, ji mera sawal is topic se thoda sa alag hai, Aashiqui 3 ban rahi hai, kafi ye khabrein aa rahi hain ki आलिया और सिद्धार्थ की प्रॉब्लम ब्रेकअप की वजह से स्क्रिप्ट में चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी, स्क्रिप्ट लेट हो रही है, काफ़ी कुछ खबरें आ रही है, कुछ क्लियर करना चाहेंगे कि क्या चल रहा है? नहीं, अभी हम आशिकी के बारे में कुछ क्लियर नहीं पड़े क्योंकि उसकी कास्टिंग अभी लॉक नहीं हुई है, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। अभी जो भी खबरें आ रही हैं वो फिल्म से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, नथिंग इज फाइनलाइज्ड येट। मतलब सिद्धार्थ और आलिया नहीं है फिल्म में? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफ़ी चीज़ें अभी स्क्रिप्ट में ही चल रही है, जब तक स्क्रिप्ट फाइनल नहीं होगी वी कांट अनाउंस अबाउट आशिकी। वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन, या ओवर देयर। इसलिए मैं मेकअप और बाल बना के आया था आज। चलिए, किसी ने कोई सवाल तो पूछा, थैंक यू सो मच।
नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत सारे एस्टैब्लिश सिंगर्स थे और अचानक से एक लोग हमेशा चेंज चाहते हैं, नई आवाज़ें, एक नई ट्रेंड्स आ जाती हैं। मैं बस खुश हूँ कि पिछले 20 साल से लगा हुआ हूँ और आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत जो ज़्यादातर सिंगर्स की शुरुआत टी सीरीज़ के साथ हुई है, मेरी शुरुआत तो नहीं हुई लेकिन मुझे लगता है कि जो सेकंड इनिंग है ये इसकी शुरुआत टी सीरीज़ से हुई है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और चाहता हूँ कि आगे और बहुत सारे गाने करें साथ में, बहुत सारे सिंगल्स करें और बस आप सबका एक रिएक्शन चाहता हूँ। ये गाना आपको पसंद आया, सबको अच्छा लगा? वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। Nee. We are doing some songs in which Shaan is singing, which we will listen soon. बहुत जल्दी सुनेंगे। It's not कि मैं कुछ मैं खुद चूजी हूँ या मैं नहीं चाह रहा हूँ गाने, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। No, he's gone way ahead. I wouldn't call him competition at all. I think he's doing very well, and I'm very because एक अच्छी talent जब आगे जाती हैं और लोग उसे पसंद करते हैं तो ये music के लिए अच्छी बात है। As long as it's good for music, it's good for all of us. Obviously, being a mother, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे हमेशा खुश रहें, हमेशा। हाँ, बस एक्सीडेंट से बहुत डर लगता है क्योंकि एक बार सूरज गोवा में हम लोग गए थे, वहाँ पे बाइक का एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह से, एंड ही वाज ऑन द रोड फॉर हाफ एन आवर, कोई उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। दैट वाज 2011। उसके बाद मुझे बहुत डर लगता है एक्सीडेंट से, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि हर माँ और बाप को इस तरह का कोई मंजर देखने को ना मिले बस। Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll just take one last question over there, yeah? सब चीज़ों के लिए सेंसरशिप होता है। आपको किसने बोला नॉन फिल्म सॉन्ग के लिए सेंसरशिप नहीं होता? हर गाना सेंसरशिप होता है, चाहे वो रैप गाना हो या नॉन फिल्म गाना हो या फिल्मी गाना हो, एवरीथिंग इज सेंसर्ड। कूल है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड